नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। देहरादून से मसूरी के लिए 7 अक्टूबर को नई इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत होने जा रही है, जिससे उत्तराखंड परिवहन विभाग की तस्वीर बदलने वाली है। पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण मसूरी और नैनीताल में सरकार ने 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कसरत तेज कर दी है। उत्तराखंड परिवहन निगम के अधीन अनुबंधित तौर पर संचालित होने वाली इन बसों में ट्रायल के लिए एक बस दून पहुंच भी गई है। हालांकि ये उत्तराखंड की जनता के लिए एक अच्छी सौगात है, लेकिन बावजूद इसके इससे पहले भी राज्य में ई व्हीकल का प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा है। इससे पहले सचिवालय में ई कार चलाई गई थी, लेकिन चार्जिंग पॉइंट ना होने की वजह से ये कार एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चल पाई थी। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या उत्तराखंड सरकार ई व्हीकल चलाने में सक्षम है, या ये भी किसी सरकारी बसों की तरह बस अड्डों में कुछ महीने बाद धूल फांकती नजर आएंगी। सूबे की धड़कन कहे जाने वाले उत्तराखंड परिवहन को एक और नई लाइफ लाइन मिलने जा रही है, जिससे न केवल स्थानीय जनता महिलाओं को फायदा होगा, बल्कि बदहाल होते जा रहे परिवहन विभाग के लिए भी संजीवनी साबित हो सकता है। आखिर क्या है वो नई लाइफ लाइन जो बदल देगी तस्वीर, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राजधानी देहरादून से मसूरी तक की सड़कों में 7 अक्टूबर से आपको एक नया वाहन दौड़ता हुआ दिखाई देगा, जो न केवल लुक से जनता को प्रभावित करेगा, बल्कि महिलाओं के लिए तमाम सुविधाओं से भी लैस होगा, जिससे रोडवेज को भी फायदा होगा। दरअसल विभाग प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक बस को सूबे की राजधानी देहरादून और मसूरी के बीच पहली बार 7 अक्टूबर को चलाने जा रहा है। स्थानीय जनता भी इस बस को लेकर खासा उत्साहित है, खासतौर पर महिलाओं और स्कूली छात्राओं में इस बस को लेकर खासा उत्साह है। जाने के बारे में उत्सुकता तो बहुत है कि नई बस आएगी, नया कुछ देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उसमें महिलाओं के लिए सुरक्षा की नई चीजें आ रही है और बहुत सारी सुविधाएं जो ग्राहकों के लिए भी मिल जाएगी, इस बात की तो उत्सुकता है। लेकिन अगर देहरादून की जनता उस चीज को अच्छे से नहीं लेती तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि जैसे सुनने में आया है कि सीसीटीवी कैमरा भी होगा, तो इससे ये पता चलेगा जो मतलब लड़के या जेंट्स लोग छेड़छाड़ होती है, लेडीज उनका चेहरा सामने जनता के सामने आ पाएगा, सारी सेफ्टी होंगी मतलब, तो फिर ये तो बहुत अच्छा है। फिर मतलब गर्ल्स सेफ रहेंगे तो आराम से बाहर भी जा सकती है फिर वो, और फ्रीली घूम सकती है, क्योंकि मोस्टली सेफ्टी इसी बात की होती है कि लड़कियाँ बाहर नहीं जाएंगी, और कि साथ में कोई भैया वैया होंगे, देखते हैं। बस एक बार चार्ज करने के बाद 200 से 250 किलोमीटर चलेगी, सफर होगा सस्ता, पैनिक बटन की सुविधा होगी, जीपीएस, सीसीटीवी, एनएसआर सिस्टम, मोबाइल चार्जिंग की भी सुविधा उपलब्ध, गड्ढों में भी नहीं लगेंगे झटके। लो फ्लोर होने के चलते बुजुर्ग और बच्चों के लिए उतरने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक डिस्प्ले के जरिए यात्रियों को मिलेगी रूट की जानकारी। तमिलनाडु से पहुंची इको फ्रेंडली बस में महिलाओं के लिए तमाम सुविधाओं के साथ खूबियों से भी लैस है, जिसका जायजा लिया हमारी संवाददाता पूर्णिमा मिश्रा ने। प्रदेश भर में पहली इलेक्ट्रिक वाहन सेवा जो है शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर खासा उत्साहित लोग हैं यहाँ पे, और आज हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन सेवा में क्या कुछ सुविधाएं देहरादून की जनता को मिल सकेंगी। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि प्रदेश में पहली जो बस है सेवा, वो यहाँ पर राजधानी देहरादून में खड़ी हो चुकी है, और इसका उद्घाटन जो है वो 7 अक्टूबर को किया जाएगा। तो प्रदेश में पहली बार जो है इलेक्ट्रिक वाहन की सुविधा यहाँ की जनता को मिलने वाला है, जिसके मद्देनजर जो है पर्यावरण को भी रखा गया है, महिलाओं की सुरक्षा को भी रखा गया है, और यात्रियों की तमाम सुविधाओं को देखते हुए इस बस को प्रदेश में लाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसका ट्रायल कितना मजबूत यहाँ पर जाता है, और प्रदेश भर को कितनी जल्दी ही इसकी सुविधा मिल पाएगी। कैमरा पर्सन सलमान के साथ पूर्णिमा मिश्रा, देहरादून।
तो उत्तराखंड की जनता को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है इलेक्ट्रिक बसों के तौर पर। इलेक्ट्रिक बसें देहरादून की जनता को इसकी सौगात मिलेगी। देहरादून से मसूरी तक ये बस चलेगी। लेकिन कई सवाल भी यहां खड़े होते हैं। अगर थोड़ा पीछे के वक्त में जाएं तो बहुत सारे सवाल इस बस को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता पूर्णिमा मिश्रा जुड़ गई हैं। पूर्णिमा, ई बस चलाई जाएगी, इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी, बड़ी सौगात है दूनवासियों के लिए और जाहिर है जनता में काफी खुशी भी होगी। लेकिन ई रिक्शा ले लीजिए, ई कार ले लीजिए, जिस तरह से आज वो धूल फांक रहे हैं, जिस तरह से वो सफल नहीं हो पाए, क्या कुछ इसी तरह का हश्र इन बसों का होने वाला है या सरकार इनका रखरखाव अच्छे से करने में सक्षम हो पाएगी या ये जनता के लिए इसी तरह से ये बड़ी सौगात साबित होने वाली है? जी भानु, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि प्रदेश भर में जो है ई रिक्शा को संचालित यहाँ पे किया गया, देहरादून की सड़कों पर या फिर प्रमुख सड़कों पर जो है ई रिक्शा को चालू किया गया है और वो अपनी सेवाएं दे भी रहे हैं। लेकिन आज तक उनके लिए जो है अभी तक जो है एक साल से ज्यादा का समय होने वाला है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसके लिए रूट डाइवर्ट और जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो मनमानियां करते हैं जिसकी वजह से अक्सर जो है वो सवालों के घेरे में रहते हैं और आरटीओ जो है उन पर पूरी तरीके से लगाम नहीं लगा सकता है, नहीं लगा पाया है, तो ये भी सवाल है। लेकिन अभी हम इसको इलेक्ट्रिक बस को देखें तो ये त्रिवेंद्र रावत सरकार के साथ ही जो है उत्तराखंड की जनता के लिए बहुत बहुत बड़ी एक कामयाबी होगी, क्योंकि लगातार जो है पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है पूरे देश भर में, विश्व भर में और प्रदेश भर में जो है पॉल्यूशन का जो है आंकड़ा वो बढ़ता ही जा रहा है। जनसंख्या के हिसाब से जो है लगातार पॉल्यूशन के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो है ई रिक्शा और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर भागना, सरकार का अपना कदम उठाना वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन जो है वो गाड़ियों से ही होता है। ज्यादातर सड़कों के इतने बुरे हाल हैं कि उसमें भी जो धूल मिट्टी होती है उससे भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। जी पूर्णिमा, सही कहा आपने, पर्यावरण के लिए भी काफी उपयोगी साबित होगी ये बस, और जो पेट्रोल और डीजल जिस तरह से महंगे हो रहे हैं उसकी भी बचत होगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इन्वेस्टर समिट के दिखावे के लिए ये बसें मंगाई गई हो, सिर्फ दिखावे की ये बसें बनकर रह जाएं। बिल्कुल, क्योंकि एक ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर समिट जो है बहुत ही नजदीक है और उसी दिन क्या है कि इसका उद्घाटन किया जाएगा ये भी है। लेकिन हाल फिलहाल जो भी जोड़ तोड़कर सरकार पेश करना चाहे, लेकिन सीधा सा मकसद जो है वो यहाँ पर यह भी साफ तौर पर देखा जा रहा है कि यह जनता के फायदे के लिए ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से तमाम सुविधाएं जो है वो इस इलेक्ट्रिक वाहन में दी गई हैं। अभी जो है देखने वाली बात होगी कि ये ट्रायल में पास हो पाता है या नहीं हो पाता है। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर जरूर देना चाहूंगी कि सचिवालय परिसर में जो 20 इलेक्ट्रिक जो कार है उनको भी लाया गया, लेकिन जिस तरीके से उनको देखा गया, सचिवालय परिसर में उनका ट्रायल लिया गया, दून की सड़कों पर दौड़ी भी, लेकिन वो अपने ट्रायल में जो है सफल नहीं हो पाई। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि भारी भरकम बजट वाली बस जो है वो यहाँ पर सफल हो पाती है या नहीं। पूर्णिमा, कब तक चलेगा ये ट्रायल, कितना ट्रायल रहेगा, कितने दिनों का? जी, इसमें 20 दिनों का ये ट्रायल रहेगा। 7 अक्टूबर से इसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। देहरादून और मसूरी मार्ग पर ये ट्रायल किया जाएगा और उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। यदि ट्रायल पास हो जाता है, ट्रायल में सक्षम हो जाता है, तो 50 गाड़ियां जो है बसें वो सिटी में चलेंगी और यात्रियों को तमाम तरीके की सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी। ठीक है पूर्णिमा, इस वक्त हमारे साथ मधु भट्ट जी भी जुड़ गई है। मधु भट्ट जी प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी की, साथ ही साथ रोशनी खंडूरी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ जो छात्रा हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। सबसे पहले रोशनी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप एक छात्रा हैं, उत्तराखंड की निवासी हैं, सरकार इलेक्ट्रिक बस चला रही है, लोगों के लिए काफी इसमें सुविधाएं होंगी, जनता को इसमें काफी सहूलियतें मिलेंगी, पेट्रोल डीजल से भी इसका कोई सरोकार नहीं होगा, पर्यावरण भी इससे सेफ रहेगा, कितनी खुशी है आपके अंदर इन बसों को लेकर, कितनी उत्साहित है, कितनी जिज्ञासा है?
सर इसको लेकर के हम काफी उत्साहित है क्योंकि पर्यावरण की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो ये योजना को हरी झंडी दी गई है और अभी गुरुवार को इसको ट्रायल भी होने वाला है जिसमें कि 25 बसें जो है देहरादून से मसूरी की तरफ जाने वाली है। तो उम्मीद है कि मतलब अच्छे से होगा और पर्यावरण को भी इससे काफी फायदा पहुंचने वाला है और जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बात की जा रही है तो इससे भी कुछ ना कुछ उम्मीदें हमको भी जरूर है। जी जी रोशनी, मधु भट्टी जी भी हैं हमारे साथ। मधु जी, सरकार की एक अच्छी पहल है, बहुत बड़ी पहल है, उत्तराखंड की जनता, देहरादून की जनता काफी खुश है, काफी जिज्ञासु है और पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी अहम है ये बसें, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इनका रखरखाव उस ढंग से हो पाएगा जिनकी इतनी जिनकी इसको जरूरत है। जी देखिए ये बहुत अच्छी पहल है और यहाँ पे अभी मेरी बहन छोटी बहन रोशनी जी ने जैसे कहा कि उत्तराखंड के लिए क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ का जो पर्यावरण, हम पर्यावरण आज पूरा विश्व पर्यावरण को पर्यावरण के लिए बात कर रहा है और हमारी सरकार ने सबसे पहले क्योंकि हमने देखिए चाहे स्वच्छता अभियान चलाया हो, हर अनेकों अभियान हमने चलाए हैं क्योंकि हमने अपनी जो प्रकृति जो हमारी है उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए हमने अनेकों योजनाएं उसके तहत ही बनाई हैं और ये एक बहुत अच्छी पहल हमारी सरकार की ये है कि यहाँ पे जो उत्तराखंड की भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उनकी उनको देखते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए ये जो इलेक्ट्रिक बसें और ये पूरा क्योंकि जो प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए ये बहुत अच्छी पहल है और ये बिल्कुल जरूर सार्थक होगी। अभी हमारा जो ये प्लान चल रहा है कुछ दिनों में हम इसको ट्रायल इसका देख रहे हैं कितना इसका प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से यहाँ ये बच्चे चलेंगी। तो एक बहुत अच्छी पहल है और सभी को क्योंकि कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा नहीं रह गया, वो केवल विरोध कर रही है, लेकिन आने वाले समय में इसको आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी सार्थक पहल रहेगी। मधु जी, हालांकि ये सब्जेक्ट विरोध का है ही नहीं क्योंकि ये सीधे सीधे जनता से सरोकार रखता है, जनता की सहूलियत के लिए है, जनता खुश है तो उसमें सरकार की खुशी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में आए दिन सड़क हादसे होते हैं, आए दिन बस हादसे होते हैं, जबकि वे बसें उत्तराखंड में हादसों का शिकार होती रहती हैं, तो क्या गारंटी है कि ये बसें सही सलामत इन सड़कों पर चलती रहेंगी, क्योंकि सड़कों के जो खस्ता हाल हैं उनको ठीक कराना पहले जरूरी था, उस पर होमवर्क करना बहुत जरूरी है। जी देखिए निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है क्योंकि देखिए यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ इन दिनों क्योंकि बरसात चल रही है, बरसात के कारण भी क्योंकि काफी बार बहुत बड़ी उसमें यहाँ पर सड़कें जो हैं वो काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनकी मरम्मत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत निर्देश दे दिए हैं कि शीघ्र से शीघ्र सड़कों की मरम्मत कर दी जाए। हमारे जो विधायक हैं वो आजकल पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा के माध्यम से देखेंगे कहाँ कहाँ किस प्रकार की स्थितियाँ और बिल्कुल उसको बहुत जल्दी शीघ्र से शीघ्र सड़कों की मरम्मत भी कर दी जाएगी। तो पहले ये नहीं लगता कि पहले सड़कों की ही मरम्मत करवा लेनी चाहिए थी, जो भी डेंजर जोन है उनकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए थी, उसके बाद बसों को लाना चाहिए था, जो पुरानी रोडवेज की बसें हैं उनकी मरम्मत हो जानी चाहिए थी, उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिए था। देखिए ये क्योंकि अभी हमारा इन्वेस्टर ये समिट होने जा रहा है और इसके तहत हम ये देखिए अभी तो होने तो दीजिए, पहले तो हम चाहते हैं कि जिस इन्वेस्टर समिट हो रहा है वो अपनी जगह है, इन्वेस्टर समिट होगा और कुछ दिन चलेगा और वो होके खत्म हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टर्स आएंगे, पैसा लगाएंगे, देहरादून का विकास, उत्तराखंड का विकास होगा, लेकिन क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं बनता, क्योंकि पिछले बीते सत्रह वर्ष का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, तकरीबन 850 बस हादसे हो चुके हैं और बीते डेढ़ बरस की अगर हम बात करें तो यहां पर कई हादसे हो चुके हैं और 100 लोग अपनी जान इसमें गवा चुके हैं, तो क्या पहले सड़कों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए था? देखिए भानु जी निश्चित रूप से आपने जो बात कही है
देखिए हम हमारी सरकार इसके प्रति गंभीर है, इसीलिए हमने ऑल वेदर रोड का यहाँ पे निर्माण निर्माण कार्य चल रहा है ऑल वेदर रोड का, और बहुत अच्छी यहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित हम सड़कें बिल्कुल प्रदान करने वाले हैं, ताकि उत्तराखंड के लिए क्योंकि पर्यटक भी और जो भी तीर्थयात्री आते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके तहत हम बिल्कुल सड़कों का बिल्कुल मरम्मत और सड़कें बिल्कुल सुरक्षित हों इसके लिए हमारी सरकार इसके प्रति बहुत गंभीर है, क्योंकि पिछले 10 वर्ष क्योंकि 5 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार अभी आते हुए मात्र 1.5 वर्ष हुआ है और हम इसको बिल्कुल बिल्कुल द्रुत गति से हम इस कार्य में बिल्कुल लगे हुए हैं, हम इसको बिल्कुल काम करेंगे हमारा पूरा, क्योंकि उत्तराखंड की प्रति ठीक है, चलिए सड़कों पर काम हो, सेवा का जो भाव है हम बिल्कुल काम इसमें बिल्कुल सड़कों पर काम भले ही देरी से हो रहा है लेकिन होना चाहिए। रोशनी, कितनी आपको उम्मीद लग रही है इन बसों से, कितनी सहूलियतें आपको मिलेंगी और कितनी सक्सेस हो पाएंगी ये बसें, क्योंकि जो सड़कों के हाल हैं खस्ता हाल हैं, वहीं लोगों में अभी जागरूकता नहीं है सड़कों के नियमों को लेकर, तो यातायात नियम जो है वो भी कहीं ना कहीं फेल होते दिखते हैं, हाईकोर्ट को इसमें संज्ञान लेना पड़ता है, तो आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि ये बसें खरी उतर पाएंगी उत्तराखंड की सड़कों पर? सर देखिए, ये आप भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि आए दिन मसूरी देहरादून रोड पे इतने एक्सीडेंट होते रहते हैं और हर टाइम पे कुछ ना कुछ भूस्खलन की वजह से कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि अगर रोड को लेकर के सरकार बजट तो बनाती है, हर बार बजट आते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है जी, और ये सिर्फ कागजों में सिमट के रह जाता है। तो अगर रोड पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, और उम्मीद हम बस से भी है कि ये भी जरूर सक्सेसफुल होगी जी। हमारी संवाददाता है पूर्णिमा मिश्रा। पूर्णिमा, जुलाई में बस हादसा हुआ था, मार्च में बस हादसा हुआ था, अप्रैल 2016 में त्यूणी बस हादसा हुआ था, लगातार बस हादसे हुए हैं, इन हादसों के बाद सरकार ने कितना संज्ञान लिया है, हादसों को रोकने के लिए क्या कुछ सरकार ने किया है, और फिल वक्त में उत्तराखंड देहरादून की सड़कों की क्या हालात हैं? जी भानु जी, जिस तरीके से आंकड़े जो है दुर्घटनाओं के आंकड़े हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं, और साथ ही जो 191 लोग जो हैं सड़क हादसों में जो हैं अपने जान गंवा चुके हैं, तो बहुत बड़ा एक यहाँ पर जो है समस्या यहाँ पर आ गई है, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड का जो भौगोलिक परिस्थिति है वो इस तरीके के नहीं है। यहाँ पर भूस्खलन आता है जिसकी वजह से जो है सड़कें बंद हो जाती हैं, दुर्घटनाएं सामने आती हैं, बस हादसे यहाँ पर लगातार बढ़े हैं, हालांकि वो रोड की दृष्टि से हो या फिर ड्राइवर कंडक्टर की दृष्टि से हो, यहाँ पर हादसे लगातार हुए हैं। और बात करें अगर पहाड़ रूटों की, तो उसमें भी जो है सड़कें इतनी चौड़ी नहीं है कि जो डबल लेन यहाँ पे इजीली से चलाया जा सके, तो तमाम तरीके की जो दिक्कतें हैं उसकी वजह से लगातार सड़क हादसे हुए हैं। और हम पहाड़ की बात छोड़कर अगर मैदानी क्षेत्रों की भी बात करें, तो देहरादून में भी बिल्कुल बहुत सड़क हादसे हुए हैं जिसमें लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। कल रात को भी एक जो ओवर स्पीड से डंपर की वजह से दो युवतियां चपेट में आई हैं, तो एक युवती की भी जान यहां पे जा चुकी है। तो तमाम तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिली हैं। और सड़कों की बात करें तो सड़कों में गड्ढे इतने हो चुके थे, हालांकि इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर जो है गड्ढों को भर दिया गया है, सड़कों को बिल्कुल चकाचक कर दिया गया है, लेकिन ये तब किया गया काम जब इन्वेस्टर समिट जो है सर पर है। इससे पहले जो मानसून सत्र का हवाला देकर जो है सरकार ने कहा कि हम अभी मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में सड़कों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इस बीच देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं पहाड़ी क्षेत्रों में भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन यहाँ पर चलाया जाने वाला है, इसको अभी देहरादून और मसूरी के बीच में एज ए ट्रायल लिया जाएगा, लेकिन अगर सक्सेसफुल रहा तो नैनीताल और हरिद्वार हाईवे पर भी इनको संचालित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नैनीताल एरिया है या फिर पहाड़ी एरिया है, जहां मैदानी छोर को बात करें तो वहां पर जो है सड़कें इतनी चौड़ी नहीं है, क्योंकि ये बसें आप देख सकते हैं बहुत ही भारी भरकम बसें हैं यहाँ पे, तो उनको कैसे संचालित वहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि डबल लेन ही रोड है और वो भी बहुत सारे जगह पे जो है वो सड़कें जो है पर्याप्त उसमें नहीं है, मोड़ इतने तीव्र मोड़ होते हैं पहाड़ में कि उससे जो है दुर्घटना का जो आंकड़ा है वो बढ़ जाता है ऐसे में, क्योंकि पूर्णिमा लो फ्लोर बसें लाई जा रही हैं, इलेक्ट्रिक बसें लाई जा रही हैं, लेकिन जो पुरानी बसें हैं रोडवेज की उनके क्या हाल हैं इस वक्त? जी
मैं बताना चाहूंगी कि जो पुराने बसेस हैं उत्तराखंड परिवहन विभाग के पास, वो अमूमन जो बसें हैं वो अच्छी सी बेहतर कंडीशन में नहीं है, क्योंकि उनका प्रॉपर जो है सर्विस नहीं करवाया जाता है, उनको प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता है। और यहाँ तक कि जो कर्मचारियों की भी बात करें तो इसी बात को लेकर जो है वो आए दिन हड़ताल पर बैठते हैं, अपनी मांगों को लेकर भी बैठते हैं, ना तो विभाग द्वारा उन पर नजर रखी जाती है और ना ही उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। जी पूर्णिमा, ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट, ना ही सरकार उनकी सुनती है। तो मधुभट्टी जी, ऐसे में नई बसें जो लाई जा रही है, क्या ये सिर्फ इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर लाई जा रही हैं? क्या ये भी दिखावे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएंगी, सिर्फ इन्वेस्टर समिट तक ही तो सीमित नहीं रह जाएंगी ये? देखिए वंजी, कभी भी कोई नई योजना आती है तो उसको देखा जाता है, परखा जाता है, जांचा जाता है, और उसी के मद्देनजर हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है। क्योंकि देखिए पर्यावरण को देखते हुए और जो जिस प्रकार से यहाँ की उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हमें जहाँ उचित लगेगा हम वही उस प्रकार की जो बसें हैं वो जो हमारी जो टैक्सियां हैं, जो हमारे जो वाहन हैं उनको हम चलाएंगे। दूसरा, हमारी जो पुरानी बसें हैं अगर उनको रिपेयर करने की बात आएगी उनको रिपेयर किया जाएगा, उनको मॉडर्न तरीके से मॉडर्नाइज किया जाएगा। हर तरीके से मधुजी, आप सरकार में हैं, ये आप कैसे कह रही हैं कि रिपेयर करने की बात आएगी? उत्तराखंड में विकास होना चाहिए। नहीं, आपको तो इन बसों पर पहले ही संज्ञान ले लेना चाहिए था। ये कौन बताएगा आपको? आप खुद सरकार में बैठी हुई हैं। देखिए हमने बिल्कुल उसको संज्ञान में लिया है, इसीलिए तो हमने कहा है ना कि हम उसको यहाँ पे बिल्कुल परख भी रहे हैं, अभी ट्रायल भी चल रहा है और उसको बिल्कुल उसी हिसाब से। देखिए हमने ऑल वेदर रोड, पहले तो कभी किसी ने सोचा नहीं था, आज हम ऑल वेदर रोड का निर्माण कर रहे हैं ताकि हर सीजन में हर प्रकार से हर कोई यहाँ पे उसको हर प्रकार की सुविधा मिलती रहे। और जिस प्रकार से, क्योंकि सड़कों की हालत पिछले पांच साल से कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हमें मात्र आए हुए डेढ़ वर्ष हुआ है और हम बिल्कुल सुधार रहे हैं बिल्कुल सड़कों की। ठीक है, और यातायात के नियमों का क्या? लगातार काम कर रहे हैं। यातायात के नियमों पर हाईकोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है। यातायात के नियम हमने बिल्कुल सख्त बना दिए हैं और उनके तहत बिल्कुल काम चल रहा है। और नियम बनाने के बाद उन्हें लागू करवाना भी सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, ना कि हाईकोर्ट की। हाईकोर्ट बोलता है कि डबल हेलमेट लागू कीजिए। देखिए इससे पहले तो कभी इस प्रकार की जो मैं समझती हूँ कि जो हाईकोर्ट हो या हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल इस विषय पे हमेशा से गंभीर रही है और लगातार हमारी केंद्र की सरकार ने भी इस ओर ध्यान दिया है। और हमारी सरकार जब से डेढ़ वर्ष से आई है हमारी सरकार भी इस ओर ध्यान दे रही है कि आम आदमी की सुरक्षा किस प्रकार से हो, तो सुरक्षा को हम प्रदान करना चाहते हैं। उसी को देखते हुए हमने हर प्रकार की, चाहे यातायात की व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे और अन्य व्यवस्थाएं हो, हम उसको करने जा रहे हैं। और आप देखिएगा उत्तराखंड का बहुत चहुमुखी विकास होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो आपकी सरकार में और चारों तरफ पर्यावरण सुरक्षित हो इन बसों से। रोशनी, फाइनल आपके पास आना चाहूंगा कि इन बसों के आने से छात्राओं को कितनी सहूलियतें मिलने वाली हैं, कितनी सुरक्षा छात्राओं की, लड़कियों की इन बसों से हो पाएगी, और आपको कितनी खुशी है इन बसों के आने से? सर देखिए हमें काफी खुशी है क्योंकि लड़कियों को खास करके बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो डेली मसूरी से देहरादून अप डाउन करती है। मैं भी मसूरी से देहरादून काफी बार अप डाउन कर चुकी हूँ तो मुझे पता है कि बसों की क्या हालत है और क्या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डेली बसों में खड़ा आना पड़ता है, बसों की भी हालत कई बार इतनी खराब होती है, रास्ते में बसें खराब हो जाती है या भूस्खलन की वजह से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अब हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि जो ये ट्रायल है सक्सेसफुल हो, जो गुरुवार को होने वाला है, और अगर बसें चल भी जाती है तो इसमें भी हमारा ही फायदा होने वाला है। ठीक है रोशनी, उम्मीद करते हैं कि बसें अपने ट्रायल में खरी उतरें और उत्तराखंड के लोगों को एक अच्छी सौगात मिले, लेकिन साथ ही साथ सरकार को बहुत सारा होमवर्क भी इसको लेकर करना पड़ेगा, सड़कों को लेकर, यातायात को लेकर, डेंजर जोन को लेकर। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि उत्तराखंड को एक नई सौगात उत्तराखंड रोडवेज को मिलने वाली है, जिससे परिवहन विभाग की सूरत बदल जाएगी। इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं, हालांकि अभी इसका ट्रायल चल रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि कहीं ये इन्वेस्टर समिट तक तो नहीं सीमित रह पाएंगी, क्योंकि जो उत्तराखंड की सड़कों के खस्ता हाल हैं, क्या उन पर इन बसों को चलाना संभव हो पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल उत्तराखंड प्राइम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।